यहाँ पे फॉग लाइट के लिए और लाइट कंट्रोल के लिए एक बटन है, उसके बाद हजार्ड वार्निंग लाइट के लिए बटन है, ये जस्ट आपको टैप करना है, बट बाय डिफॉल्ट ये हमेशा ऑन ही रहेगा, जिससे कि आपको समझ में आए ये यहाँ पे बटन है। उसके बाद बूट स्पेस ओपन करने के लिए है, ऑल डोर लॉक्स ओपन करने के लिए है, 360 कैमरा एक्टिवेट करने के लिए एक बटन है, और इस बार फेसलिफ्ट में बहुत ही बड़ा अपग्रेड जो आया है वो फैन स्पीड और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए मैनुअल बटन दिए हुए हैं, तो आपका कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा जब आप गाड़ी का टेम्परेचर या फिर फैन स्पीड सेट करोगे। उसके साथ आपको एयर रिसर्कुलेशन मोड ऑन ऑफ की यहाँ पे ऑप्शन भी है, अगर ये ऑरेंज है तो समझ लेना है कि आपने की ये ऑन है। उसके बाद रियर डिफॉगर का, उसके बाद फ्रंट मैक्स का भी ऑप्शन है जो डिफॉगर फ्रंट डिफॉगर है, उसके बाद मोड चेंजर यहाँ पे है, और साथ ही में ये तीनों ऑप्शन कॉमन है, यहाँ पे ऑफ है, एसी ऑन ऑफ का बटन है और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन है, तो ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट लगे।